तो दोस्तों, अगर आप जो है अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, मैंने जो है पिछला वीडियो भी आधार में एड्रेस को अपडेट से रिलेटेड डाला था। वहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन ये आए कि सर फाइल किस तरह से अपलोड करना है, फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो इस पर मैंने जो है डिटेल से दोबारा से इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आए और आप जो है घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर पाएँ। तो वीडियो में आपको जो है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप जो है अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है माय आधार, ठीक है ना। तो जैसे ही आप माय आधार लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आपको जो है इस वाली वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। अभी दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो एक लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, इस वाले कैप्चा को आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है एंड सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपको जो है एक OTP भेजा जाएगा। OTP आप यहाँ इंटर OTP की जगह पर इंटर करेंगे एंड लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसको लॉगिन कर लेता हूं। अभी दोस्तों, जैसे ही आप यहां पर इसको लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी दोस्तों, यहां पर आपको जो है आपका प्रोफाइल आइकन देखने के लिए मिलेगा। तो आप जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड आपको यहां पर इस तरह से शो कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप यहां पर फ्लिप आधार कार्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आधार कार्ड का बैक साइड यहां पर शो कर दिया जाएगा जिस पर कि आपका जो है एड्रेस लिखा हुआ है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपको इस वाले एड्रेस को यहां पर चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए पहले हम इस वाले पॉपअप को यहां से कर देते हैं क्लोज। अभी आपको जो है यहां पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है आधार अपडेट का। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस पेज आपको दिखाई दे रहा है आधार अपडेट का, आपको सिंपली यहां पर कर देना है क्लिक। दोस्तों, यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें कि अपडेट आधार ऑनलाइन और सेकंड वाला यहां पर हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार अपडेट, ठीक है ना। तो यहां पर आप इन दोनों ऑप्शन का यूज कब कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने फैमिली मेंबर के डॉक्यूमेंट के बेस पर अपना आधार अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस कंडीशन में इस वाले ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे। अगर आपके पास खुद के पास में आधार अपडेट के लिए जो डॉक्यूमेंट है खुद के नाम पर है तो आप जो इस वाले ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। हम जो है हमारे पास खुद के पास डॉक्यूमेंट है आधार अपडेट करने का, तो हम जो है इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सिंपली प्रोसीड टू अपडेट आधार इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। अभी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आधार अपडेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर लिखा है नो लिमिट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को जितनी भी बार अपडेट कर सकते हैं, जितनी बार आप अपना एड्रेस बदलेंगे उतनी बार आप जो है अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। आपको यहां पर प्रोसीड टू अपडेट आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहां पर कर देना है क्लिक। तो अब आपके सामने आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको शो कर दिया जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको अब आपका नया एड्रेस इंटर कर देना है। तो जो भी आपका नया एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे जिसमें केयर ऑफ में आप लिखेंगे पिता का नाम या पति का नाम, यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हाउस बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्ट्रीट सड़क का नाम लिखेंगे, हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एरिया लोकेटर सेक्टर जो भी है आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है ना। जो भी लोकेलिटी है आपके आसपास, पंचायत भवन के पास रहते हैं, स्कूल के पास रहते हैं, जो भी आपके नगर का नाम है वो आप यहां पर इंटर करेंगे, यहां पर ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। लैंडमार्क अगर आपके पास कुछ है तो आप यहां पर इंटर करेंगे, हिंदी में यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको यहां पर इंटर कर देना होगा। स्टेट का नाम आप जो है यहाँ पर इंटर करेंगे, स्टेट का नाम आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, राज्य का नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सिटी आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में डॉक्यूमेंट की एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना, जिसमें कि आप यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पर अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
काफी लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट चल जाएगा या नहीं, या ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है, इसमें से अगर आपके पास में कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो वो चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास में इस वाली लिस्ट में से जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम जो है सिंपली वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास में वोटर आईडी कार्ड है। आपके पास में जो कार्ड है आप उसको ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करते हैं, अब दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसको यहाँ पर आपको अपलोड भी करना होगा। अपलोड करने के लिए आप यहाँ व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा है उसको आप जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है केवल पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, ओपन वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अभी आपको जो है नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का कंप्लीट रिव्यू आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कंप्लीट रिव्यू बताया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप अपने रिव्यू को देख लेंगे उसके बाद आप जो है मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपको जो है पेमेंट सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको जो है 50 रुपीज का पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर 50 रुपीज का पेमेंट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा। उस रिसिप्ट को आपको जो है डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाता है तो आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट का जो प्रोसेस है, अगर आपने वैलिड डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो 8 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। उसको आप यहां पर चेक कर लेंगे पहले, ठीक है ना। यहां पर आप इसी वाले जैसे कि हमने लॉगिन किया है तो आप जो है यहां पर प्रोफाइल आइकन वाले बटन पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड पे अपना एड्रेस चेक कर लेंगे। अगर अपडेट हो जाता है तो आप यहां पर अपना नया आधार कार्ड प्रिंट कर लेंगे। इसका स्टेटस देखने के लिए आपको डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप डैशबोर्ड वाले बटन पे आ जाओगे तो यहां पर देख सकते हैं आधार अपडेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां पर आपका जो स्टेटस है, इस तरह से हमारा जो स्टेटस है यहां पर पेंडिंग है क्योंकि मैं यहां पर पेमेंट करना नहीं चाहता, मुझे अपडेट करना भी नहीं है। लेकिन यहां पर जैसे कि हमने पिछली बार में डॉक्यूमेंट अपडेट किया था तो उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। यहां पर एसआरएन नंबर भी मिलेगा आपको और जो हमारा स्टेटस है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर आपका भी एड्रेस अपडेट हो जाएगा तो आपका स्टेटस यहां पर आपको कंप्लीटली शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जब आप यहां से एप्लीकेशन कर देते हैं तो 8 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस को अपडेट कर दिया जाएगा, अगर आप जो है यहां पर सही डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो, जो भी लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आप जो है अपने आधार कार्ड में घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से अपने एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो इसी तरह की डिजिटल इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।